हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का एकदम फुली फुली रोटी बनाना बताएंगे। एकदम सॉफ्ट और मुलायम नरम तरीके से रोटी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आटा ले ले लिया है, गेहूं का 2 कटोरी ले लिया है, कम से कम 3-4 लोगों के लिए हम आटा गूँथ लेंगे। ये देखिए, इस कटोरी से हम 2 कटोरी ले लेंगे। मैंने एक बड़ी थाली ले ली है, 1 कटोरी मैंने रख दिया है, 1 कटोरी और हम ले लेते हैं। बड़ी थाली में गूँथने से आटा गिरता नहीं है, अच्छे से गूँथ जाता है। तो चलिए गूँथना हम शुरू करते हैं। 2 कटोरी आटा हमने ले लिया है। आटे में हम 1/2 चम्मच नमक मिला देंगे। ये देखिए, मिला लेते हैं, इससे स्वाद बढ़ जाता है, एकदम टेस्टी रोटी बनती है। अब हम मिला लेते हैं नमक को अच्छे से, एकदम मुलायम और सॉफ्ट से गूँथना है। कड़ा नहीं गूँथना है, नरम भी नहीं गूँथना है, एकदम मीडियम ही गूँथना है। मिला लिया है। और ध्यान रखिए, एक बार पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के हम गूँथेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मिला लेते हैं। एक बार में पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारा आटा गूंथ जाए। फिर से डाल लेते हैं। ऐसे और थोड़ा सा ऐसे हम पानी डाल डाल के गूंथ लेंगे अच्छे से, एकदम मुलायम। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिला लिया है और थाली भी अच्छे से साफ लग रही है। तो अब हम इसे खूब मलेंगे, गूंथ लेंगे अच्छे से, थोड़े थोड़े पानी डाल के, ताकि एकदम सॉफ्ट हो, मुलायम एकदम गूंथा। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी रोटियां फटने लगती है, मुलायम नहीं होती है, खाने में टाइट रहती है। तो सबसे पहले वो अच्छे से अपना आटा गूँथ लें ऐसे। जितना अच्छा आप गूँथेंगे उतनी अच्छी रोटियां बनेगी, एकदम मुलायम नरम। ऐसे मड़ लेते हैं, थोड़े से पानी लगा लेते हैं, और पानी लगा लगा के गूँथना है। तब तक गूँथना है जब तक ये मुलायम अच्छे से एकदम चिकना ना हो जाए, तभी अच्छे से खिली खिली रोटियां बनेगी। ये देखिए, अच्छे से हम गूँथ लेते हैं। ऐसे खूब मढ़ना है। ये देखिए, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा टाइट है, एकदम नरम हो गया है, मीडियम हो गया है और गूँथ भी गया है अच्छे से, मर दिया है हमने। अब हम 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे ढक के, रख देते हैं ढक के। 5 मिनट बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारा आटा एकदम अच्छे से थोड़ा सा फूल गया है और एकदम अच्छा मुलायम लग रहा है। तो अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी लोइयां ले लेते हैं। ये देखिए, आपको जितना बड़ा या छोटा रोटी बनाना है उस हिसाब से आप लोइयां ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे इतना छोटा हम लोइयां ले लिए हैं। ऐसे गोल गोल हम या हाथ से कर सकते हैं या चकले पे कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं।
ये देखिए चकले पे ऐसे हम घुमाते रहेंगे, अच्छे से ये गोल हो जाएगा लोई, ऐसे कर देंगे। ये देखिए अब सूखे आटे में हम ऐसे ही लपेट लेंगे, हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते हैं ऐसे, हम धीरे धीरे बेलेंगे। फिर से हम आटा लगा लेते हैं और हम ऐसे ही घुमाते घुमाते धीरे धीरे हम बेलेंगे। ये देखिए हमारी रोटी घूम रही है, तो ऐसे ही घूमते घूमते ये गोल हो जाएगी और इतना अच्छी रोटी बन जाएगी। ये देखिए आपको साइज बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं, जितनी छोटी लोई लेंगे उतनी छोटी रोटी बनेगी, जितनी बड़ी लोई लेंगे बड़ी रोटी बनेगी। ये देखिए हमारी रोटी एकदम बनके तैयार है, एकदम गोल बनी है। ये देखिए तो अब हम तवे पे डाल देते हैं। तवा हमने पहले से ही गरम करके रखा है, तो तवे पे डाल देते हैं। ये देखिए तवा हमारा गरम हो गया है और मीडियम ही आँच है, तो रोटी डाल देते हैं। ये देखिए हमने रोटी डाल दिया है और धीमी आँच कर देंगे। एक तरफ हम ऐसे सेक लेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए एक तरफ हो गया है, अब हम पलट देंगे। अब हम ऐसे ही सेक लेंगे एक तरफ 2-3 मिनट तक धीमी आँच पे। हम 2-3 तरीके से आपको रोटी बनाना फुलाना सिखाएंगे, बताएंगे। तवे पे ही हम फुलाना सिखाएंगे, गैस पे कभी नहीं फुलाना चाहिए, सेहत के लिए नुकसान करता है। तवे पे ही आप ज़्यादातर फुलाइए और अच्छा रहेगा। तवे पे फुलाने से रोटी एकदम मुलायम और नरम बनती है, तो ज़्यादातर आप लोग तवे पे ही फुलाइए। मैं बताऊँगी 3 तरीके से कैसे फुलाते हैं। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, एक तरफ हमारा सिक गया है और ऐसे ही हम उलट उलट के देखते रहेंगे। तो अब हम पलट देते हैं फूलने के लिए, इसे कर देंगे और ऐसे हम पलटे के मदद से दबाते रहेंगे। ये देखिए हमारी रोटी फूल रही है, जिधर नहीं फूल रही है उधर आप दबा सकते हैं, तब ये फूल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है, हमने एक फुला लिया है। दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं, दूसरा हम रोटी डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है, ऐसे ही हम सेक लेंगे, उसे भी हम ऐसे ही पलट देंगे और पकाएंगे एक तरफ। ये देखिए ये भी हो गई है, अब हम पलट देंगे सेकने फुलाने के लिए। अब हम इसे कपड़े की मदद से ऐसे फुला सकते हैं। ये देखिए हमारी ये भी रोटी फूल गई है, ऐसे ही आप फुला सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल गई है, तो उतार लेते हैं। तीसरी रोटी भी हम डाल देंगे और हम बताएंगे दूसरे तरीके से फुलाने के लिए। और एकदम नरम नरम बन रही है रोटी, तो आप लोग ऐसे ही फुलाइए और बनाइए। ये देखिए सिक गया है, थोड़ी देर और सेक लेते हैं अच्छे से। ऐसे हम पलट पलट के देख लेते हैं। ये देखिए हो गया है, तो पलट लेते हैं। अब हम एक रोटी से इसे फुलाएंगे, जो हमने पहले रोटी बना लिया है तो उसे हम रख के फुला लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और इससे भी हम फुला सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये देखिए अच्छे से एकदम फूल गया है, ये देखिए। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो ऐसे हम सारी रोटियां बना लेते हैं। इस 3 तरीके में से आप किसी भी तरह से फुला के रोटी बना सकते हैं, लेकिन गैस पे मत बनाइए। और एकदम मुलायम एकदम सॉफ्ट बनेगा, एकदम आसान है ये तरीका बनाने का, तो आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर।
ये देखिए दोस्तों, हमारी रोटियां बनके एकदम तैयार है, एकदम नरम नरम और फुली फुली रोटियां। तो आप लोग भी जरूर बनाइए ऐसे इस तरीके से। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।